ह्यूमन आई, ह्यूमन बीइंग में ही नहीं, मतलब हम लोगों में ही नहीं बल्कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मैक्सिमम में आपको एक बड़ा सेंसिटिव सेंस ऑर्गन मिलता है, ये सेंसरी ऑर्गन है जिसे हम आंखें कहते हैं, आईज कहते हैं। ये कैमरे की तरह काम करता है, यानी कि फोटो लेता है, और इस आंखों से हमारे दिमाग में एक इमेज पैदा होती है, और वो जो इमेज है उससे हमें पता लगता है कि क्या चीज हमें दिख रही है, क्या हमें समझना है और कैसे रिएक्ट करना है। तो इमेज जो बनती है, अगर इस आंख को देखें, ये आंख का एक डायग्राम है, इस इमेज में और इस डायग्राम में जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, इसे हम रेटिना कहते हैं, ये रेटिना है। तो ये जो रेटिना है, यहां पर इमेज बनती है, यानी कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से आप देख रहे हैं, तो इसकी इमेज जो आंखों से जाके जो बनेगी वो आपकी इस रेटिना पे बनेगी। अब जो बहुत पतला सा मेम्ब्रेन है जिससे लाइट एंटर हो रही है, यानी कि ये जो बाहर का मेम्ब्रेन है, ये पतला सा, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है और यहीं से लाइट अंदर जाती है। जो आई बॉल है, यानी कि यहाँ आप देखें एक स्फेरिकल शेप में है, इस तरीके से गोल शेप में आंखें होती हैं। एक लेंस है यहाँ पे, ये क्रिस्टलाइन लेंस है। ये लेंस ये मदद करता है ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग तरीके से, यानी दूरी पे है या पास में है, क्योंकि अलग अलग डिस्टेंस पे आंखें देख सकती हैं। ये क्रिस्टलाइन लेंस होता है, सेल्फ एडजस्टिंग लेंस होता है, और अलग अलग डिस्टेंस या दूरी की चीजें हमें देखने में मदद करता है। इसके बाद हमारे यहाँ पर ये आयरिस है, इसको देखें, ये आयरिस है, दो आयरिस है यहाँ पे। तो ये आप जो डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ये तय करता है या ये कंट्रोल करता है प्यूपिल, यानी कि ये जो एरिया है जहां से लाइट जा रही है, इसको तय करता है। इसका मतलब ये प्यूपिल रेगुलेट करता है, जैसे मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पर क्या चीज रेगुलेट करती है कि लाइट कितनी आएगी। जैसे कॉर्निया से अंदर लाइट आ गई, लेकिन कितनी अंदर जाएगी इसके, वो जो प्यूपिल है, ये क्योंकि आयरिस यहाँ पर है, आयरिस एक तरीके की मसल है जो घट बढ़ सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और बड़ी हो जाती है। इस तरीके से यहाँ प्यूपिल जो जगह है, ये डिसाइड करती है कितनी लाइट इसके अंदर जानी है, कितनी लाइट आ रही है, नहीं कितनी जानी है लेंस में। रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है रेटिना पे, इस जगह पे। और जो रेटिना है इसमें कुछ सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स, कुछ लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं, कुछ डार्क के प्रति सेंसिटिव होते हैं। जैसे अगर आप देखें वो ऑर्गेनिज्म जो रात में देख पाते हैं, उनके रॉड एंड कॉन में से कॉन जो होते हैं वो अपने सेंसिटिव होते हैं रात के प्रति। तो आप जो रात में भी देख पाते हैं हल्का हल्का, वो इनके प्रति ही है, और दिन में जो देख पाते हैं वो रॉड्स एंड कॉन्स उसके लिए होते हैं। तो जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं आपके यहाँ पे, वो आपकी ऑप्टिक नर्व, अब यहाँ पर बन गई इमेज, अब ये सेल जो है ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपके दिमाग में एक सिग्नल भेजते हैं जिससे उस इमेज को समझा जाता है और उसके हिसाब से एक्शन किया जाता है। तो ये पार्ट है आपके आईज के।